हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमडी टॉकीज। अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड इसके बगल पे बेल आइकन पे उस पर क्लिक कीजिए। इससे यही होगा कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आज मैं ये बताऊँगा कैसे आप अपने सोशल मीडिया का आइकन अपने ब्लॉग पर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके ब्लॉग लोग शेयर कर पाएंगे। सबसे पहले आप ब्राउज़र पर आ जाइए, ब्राउज़र को ओपन कीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए www.addthis.com, इसको ओपन कीजिए। आई वॉन्ट टू इंगेज माई विजिटर, ग्रो योर वेबसाइट विद फ्री, यहाँ आप देख सकते हैं फॉलोअर बटन, लिंक, प्रोमोशन लिस्ट, बहुत सारा ऑप्शन है जो आप अपने ब्लॉग को प्रोमोट कर सकते हैं। गेट स्टार्ट इस फ्री पे क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, पासवर्ड, यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट क्रिएट कर लीजिए जो आपको सुविधा हो याद रहे। यहाँ पे रिटैप फिर से पासवर्ड डाल दीजिए, सेम पासवर्ड जो आप अभी फिलअप किए। आप अपने कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ भी आप रहते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में। मंथली पेज प्रीव्यू, आपके ब्लॉग पे या वेबसाइट पे कितने व्यू आते हैं मंथली में। मेरे 25 के अंदर आते हैं इसलिए मैंने 25 0 to 25 क्लिक किया। आप ये चेक बटन पे क्लिक करके लेट स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड हो रहा है, देखिए। इसके बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा आपके पास। ये सारा बटन, किस टाइप का आपको बटन बनाना है, शेयर बटन, फॉलो बटन, रिलेटेड बटन, लिस्ट, लिंक, प्रोमोशन, वेबसाइट हुआ। मैं अभी आपको शेयर बटन का करके दिखाता हूँ आपको, ये शेयर बटन कैसे बनाते हैं। शेयर पे क्लिक करिए, शेयर बटन पे, ये देखिए किस तरह का फ्लोटिंग बैनर आप लगाना चाहते हैं, साइड में, मिडिल में, इनलाइन, मतलब आप अपने एक्सपेंडिंग। ये मैं आपको फ्लोटिंग बैनर करके दिखाता हूँ। चाहिए यहाँ पे कुछ फैब नंबर ऑफ सर्विस ऐड है, आप अपने मन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जो जो सर्विस ऐड करना है। ये देखिए फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, पिंट्रेस एंड ऐड डिस। आप अपने नीचे पे क्लिक करके अपने हिसाब से भी किसी को हटा सकते हैं, किसी को ऐड कर सकते हैं। जो जो सोशल मीडिया पर आप एक्टिव है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इतने सारे सोशल मीडिया, इन सारे में से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइए एक्टिवेट टूल्स में, गेट द कोड, ऐड दिस नीडेड डिटेल कोड टू डू दिस थिंग, फॉलो द इंस्ट्रक्शन बिलो टू इंस्टॉल और इट ऑन योर साइट एंड स्टार्ट यूजिंग ऐड दिस। ये यहाँ एक कोड देगा HTML के, इसको आपको ब्लॉग के थीम में पेस्ट करना है। और वो कैसे पेस्ट होगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए वर्डप्रेस किस में आपका ये है, सबका अलग अलग तरीका है। ये कोड है, ये मैं ब्लॉगर के लिए बता रहा हूँ। दूसरे ऑप्शन है तो आप दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ के प्रोसेस जान सकते हैं। ये कोड को आपको कॉपी करना है, ये पूरा सेलेक्ट करके आप कॉपी कीजिए। ये कॉपी हो गया, मैं क्लिपबोर्ड पे एंड पेस्ट करना है। पेस्ट द अबव कोड राइट अबव द क्लोजिंग बॉडी ऑफ द HTML इन योर वेबसाइट ऑन एवरी पेज यू वांट टू ऐड दिस टू वर्क। तो इसको आपको जाके अपना ब्लॉगर के थीम में पेस्ट करना है। देख के या ये देखिए बॉडी के ठीक ऊपर पेस्ट करना है। तो चलिए ब्लॉगर पे आता हूँ और कैसे पेस्ट होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में थीम है, थीम में क्लिक कीजिए। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो ये एडिट HTML में क्लिक करके आपको ये करना है। अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, मैं भी मोबाइल से कर रहा हूँ। बैकअप एंड लिस्टो पे आइए, डाउनलोड थीम पे क्लिक करना है, आपको थीम को डाउनलोड करना है।
उसके बाद एक एप्लीकेशन आता है ड्रॉइड एडिट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। वो ऐप्स के इंस्टॉल करने के बगैर आप नहीं कर पाएंगे, आपको एडिट करने के लिए मोबाइल में वो ऐप्स को इंस्टॉल करना होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ड्रॉइड एप्लीकेशन। ये डाउनलोड में, ये देखिए मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड में आके अगर आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो आपको ओपन नहीं होगा। ठीक, मैं देखिए डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए ये एप्लीकेशन में ये ओपन हुआ। यहाँ पे आप सर फ्रेंड पे सर्च कीजिए, बॉडी कॉमा दीजिए आप। ये देखिए किस तरह कॉमा देके बॉडी टैप करना है, मैं बता देता हूँ। ये कॉमा दीजिए, स्लैश दीजिए, यहाँ पे टैप कीजिए बॉडी, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए कॉमा दीजिए जी। अब यहाँ पे आपको सर्च मारना है, ऐसे ही आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। अब इस तरह फाइंड करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। बॉडी टैप करके यहाँ सर्च पे क्लिक कीजिए, मिलेगी अभी नहीं मिली। जब तक आप सर्च नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगी, ढूंढते रहेंगे आप। टैप किया हुआ, जस्ट सर्च क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए नीचे में आपका बॉडी का मेंशन कर देगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपका नीचे में बॉडी ब्रेक लैंड में आ गया है। बॉडी के ठीक ऊपर आपको वो कोड पेस्ट करना है जो वहाँ से आप कॉपी किए थे एड डिस से, स्क्रिप्ट के नीचे एंड बॉडी के ऊपर। मैं अपने सेट में पेस्ट कर चुका हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे आपको क्लिक करके पेस्ट करना है जी। मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ इसीलिए ये नहीं हो रहा। इसके बाद क्या प्रोसेस करना है, आपको बैग अपने ब्लॉगर पे जाना है। मैंने मिनिमाइज किया हुआ है, मैं भूल गया हूँ, ये मिनिमाइज से आपको ओपन करना है। देखिए अपलोड फाइल को अपडेट किए थे जो पेस्ट करने के बाद, ये थीम को फिर से आपको अपलोड करना है। इसी को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, यही थीम था। इसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको रेड कलर का अपलोड बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये फाइल आपका अपलोड हो जाएगा। ये देखिए अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आके आप व्यू ब्लॉक पे क्लिक कीजिए, व्यू ब्लॉक पे क्लिक कीजिए, ये डाउनलोडिंग हो रहा है। कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल के नीचे में दिखाई देगा बटन्स, सोशल मीडिया का आइकॉन दिखाई देगा। अगर कोई आपके ब्लॉग पे विजिट करता है तो वो शेयर कर सकता है आपको सोशल मीडिया पे आपका पेज। मोबाइल पे आपका डॉन पे शो करेगा और लैपटॉप क्या होगा लेफ्ट साइड में शो करेगा। ये देखिए आ चुका है, अब तक 10 शेयर हो चुका है जब से मैं लगाया हूँ। मेरा पेज सोशल मीडिया पे 10 शेयर हो चुका है। फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, गूगल प्लस पे शेयर कर सकते हैं, लॉगिन करके इस तरह कोई भी विजिटर आपका पेज शेयर कर सकते हैं। क्या होगा आपका पेज प्रमोट